एमबीबीएस करने के लिए चाइना और दीगर दूसरे ममालिक में जाना पड़ेगा। और खुशखबरी ये है कि इस्लामिक मुल्क किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एमबीबीएस करने का मौका फराहम किया जा रहा है। इसी हवाले से हम आज WCI पाकिस्तान ऑफिस में मौजूद हैं और आइए हम इनके डायरेक्टर जबीउल्ला से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि किर्गिस्तान में एमबीबीएस जो स्टूडेंट्स करने जाएंगे, आप उनको क्या सर्विस? हाँ देखिए, जैसे आपने खुद ही बताया है कि अभी रिसेंटली एम कैट का हुआ है, एंट्री टेस्ट हुआ है। आपने तो बताया कि 57,000 स्टूडेंट्स उसमें अपीयर हुए हैं, लेकिन आप ये तादाद पंजाब के हवाले से है, सुबह पंजाब में। अगर हम इसे पाकिस्तान लेवल पे देखें तो ये 240,000 पे चली जाती है, इससे ज़्यादा लोग हैं जो अपीयर हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चूँकि मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का फुकदान है, इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है, इसलिए लोग बेचारे जो हैं वो सारे उस मेरिट पर पूरा नहीं उतरते और मेरिट सख्त बनता है। अब ला मुहाला फिर जिस तरह आपने खुद ही फरमाया कि लोगों को फिर दूसरे मुल्कों में जाने की कोशिश करते हैं। हमने WCI पाकिस्तान ने ये कोशिश की है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर MBBS स्टूडेंट्स डिज़ाइन किए हैं या बनाए हैं, WCI पाकिस्तान उनको फॉलो करते हुए किर्गिस्तान में अपनी यूनिवर्सिटीज में MBBS करवा रही है। अब मैं आपको एग्जांपल करता हूँ कि सबसे पहला एक जो उनका असूल है जो PMDC ने बनाया है कि कम से कम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए FSC में, तब आप किसी दूसरे मुल्क में MBBS करने के लिए जाएं। अगर इससे कम हुए तो वापसी पर हम आपको इनरोल नहीं करेंगे और जो एक टेस्ट लेते हैं MEB का टेस्ट, वो हम आपसे नहीं लेंगे। इसलिए हम स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि आप PMDC के इस रूल को फॉलो करो और हमारे पास जब आते हो तो आपके कम से कम 60% मार्क्स हों और हम आपको वहाँ आपका एडमिशन भी करवाएंगे किर्गिस्तान में और आपको वही सिलेबस पढ़ाएंगे जो पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट पाकिस्तान से ही बुक्स लेकर वहाँ जाते हैं जो PMDC ने करिकुलम डिजाइन किया हुआ है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी के हवाले से आपने क्या इकदाम किए? देखिए ज़रा, मैं ये समझता हूँ, मैं चूँकि खुद वहाँ होकर आया हूँ किर्गिस्तान में, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी फीमेल स्टूडेंट्स के लिए या किसी भी मुल्क की फीमेल स्टूडेंट्स के लिए या वैसी ख्वातीन के लिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे ज़्यादा अच्छे इंतजाम हैं, ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी है। अब WCI का जो जाती हॉस्टल है जिसको WCI ओन करती है, 400 रूम्स हैं उसमें, और हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर शुएब शाहिद साहब, उन्होंने माशाल्लाह उसको एक किले की शक्ल में बनाया हुआ है कि सिक्योरिटी गार्ड हैं, पॉकेट बनी हुई हैं, लोग बैठे हैं, कैमरा सिस्टम लगा हुआ है। मैं कहता हूँ मेल तो बड़ी दूर की बात है उस हॉस्टल में जाना, एक फीमेल भी उस वक्त तक एंटर नहीं हो सकती जब तक उसके पास वो कार्ड नहीं होगा जिससे वो गेट खुलता है। 9 बजे के बाद जो है वो बच्चियाँ बाहर नहीं आ सकती, 9 बजे तक मैक्सिमम आखिरी टाइम है शाम का उनका। दुनिया की हर सहूलत हमने उस हॉस्टल के अंदर उन बच्चों को प्रोवाइड कर दी है, उन्हें बाहर जाने नहीं पड़ता उन बच्चों को। तो बाकी जो वहाँ का, चूँकि इस्लामिक कंट्री है, इस्लामी माहौल है, वो लोग जो किर्गिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तानियों को वैसे ही अपना मोहसिन समझते हैं, दो मानों में। एक वो समझते हैं कि हमें उन्हें जो आज़ादी मिली है वो पाकिस्तान की वजह से मिली है, दूसरा वो ये समझते हैं कि उन्हें जो दीन की समझ आई है इस्लाम की वो पाकिस्तानियों की वजह से आई है। इवन जो उनके मुफ्ती आज़म हैं वो भी पाकिस्तान से ही ग्रेजुएट होके तो गए हैं और वहाँ पर मुफ्ती हैं, और भी जो उनको दीन के हवाले से जो उन्हें शऊर पैदा किया है वो पाकिस्तानी उलमा ने किया है, तो इसलिए वो पाकिस्तानियों के बहुत ज़्यादा जो मशहूर हैं। और फीमेल तो दूर की बात, वो मेल के भी जो है ना वो उनका रवैया बहुत मोहब्बत वाला और शफकत वाला होता है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फीस कैजुअल क्या है स्टूडेंट्स? फी देखें, फी पहले तो कम थी, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, जो स्टूडेंट जनवरी में या दिसंबर में गए हैं किर्गिस्तान में हमारी यूनिवर्सिटियों में, हमारे पास 4 यूनिवर्सिटीज हैं इस वक्त, साइंटिफिक रिसर्च सोशल मेडिकल इंस्टीट्यूट, उसे हम SRMSI कहते हैं, जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, ओश स्टेट यूनिवर्सिटी और ओश इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, 4 हैं। अब जो एडमिशन हमारे जनवरी फरवरी में हुए थे, फरवरी इनटेक के लिए, उसमें $109 रुपये का था, तो हमारी फी थी $3,400, जो 360,000 पे सिर्फ बनती थी।
अनफॉर्चुनेटली अब डॉलर चला गया है 157-158 पे, अब वही पाकिस्तानी रुपीज में जो अमाउंट बनना शुरू हो गई है वो 527 527,000 पे चली गई है। वहां यूनिवर्सिटीज जो फी लेती हैं वो डॉलर्स में लेती हैं, यानी कि सपोज मैक्सिमम जो फी है $3,400 पहले सेमेस्टर की, और बाकी जो 9 सेमेस्टर हैं वो $1,400 जाती है, या किसी यूनिवर्सिटी की $1,500 जाती है, या 6 महीने के बाद $1,500। अगर ये डॉलर की कीमत कम हो जाती है तो पेरेंट्स का बोझ कम हो जाएगा, यानी कि ये फी कम पे करना पड़ेगी। अगर डॉलर की कीमत इतनी ही रहती है या बढ़ती है तो फिर इतना ही पे करना पड़ेगा। अब इसमें जो हॉस्टल है, मैं इसमें एक लुत्फ की बात आपको बताता हूँ, $300 में 6 महीने के लिए यूनिवर्सिटी या WCI हॉस्टल दे रही है। उस हॉस्टल में आपकी स्टडी टेबल है, आपकी कबर्ड है, और आपको इंटरनेट है, आपका ठंडा गर्म पानी है, आपको सुई गैस की फराहमी है, मतलब दुनिया की हर चीज़ हमने उसमें दी है, और हम महीने का सिर्फ $50 बच्चों से लेते हैं, यानी पाकिस्तानी 7,000 रुपये बनते हैं आज के हिसाब से। अगर आप पाकिस्तान में लाहौर से बाहर गुजरांवाला में जाके एक महीने रहना चाहें तो इन सहूलियात के साथ जो है वो 7,000 में कहीं रहाइश नहीं मिलती। हमने किर्गिस्तान में रहाइश दी है 7,000 रुपये महीने पे। $500 हम फूड का, 3 टाइम हम बूफे सिस्टम हमारा वहां चलता है। हमारे घर में एक मतवस्त तबके में एक ही खाना पकता होगा, मेरे घर में तो एक ही सालन बनता है, लेकिन हमारे यहाँ WCI ने जो मेस अरेंज किया हुआ है उसमें बच्चों को बूफे सिस्टम होता है, 2-3 खाने बनते हैं, एक नहीं खाना चाहता तो वो दूसरा खा लेता है, तीसरा खा लेता है, 3 टाइम हम खाना देते हैं बच्चों को। जो खाना बनाने वाला शेफ है वो भी पाकिस्तान से है, वो गुजरांवाला से बिलोंग करता है। जो बच्चे वहाँ चावल खाते हैं वो साहिवाल से लेके हम जाते हैं, जो दालें मसाले खाते हैं वो फैसलाबाद से लिए हैं, यानी कि हर चीज बच्चे पाकिस्तान से लेके, किताबें पाकिस्तान से लेके जाते हैं, पढ़ाने वाले टीचर सारे पाकिस्तानी हैं, अब PhD लेवल के अल्हम्दुलिल्लाह एसोसिएट प्रोफेसर लेवल के टीचर्स हैं, और खाना भी पाकिस्तानी है, सिर्फ मुल्क का नाम चेंज होता है। अब मैं वापस आता हूँ, $300 6 महीने में हम उन्हें हॉस्टल देते हैं, और $500 6 महीने में 3 टाइम का ये खाना देते हैं जो मैंने आपको बताया। पाकिस्तानी ये 12,700 रुपये 3 टाइम के खाने के 1 महीने का बनता है, यानी कि लाहौर में भी आप अगर हॉस्टल में रहें तो 12,700 में आपको उस स्टैंडर्ड का खाना नहीं मिलता जिस तरह का WCI वहां पर दे रही है। और डॉक्टर शुएब शाहद साहब, डॉक्टर हसन संधू साहब, ये सारे वो हमारे डायरेक्टर्स हैं कि जिन्होंने बच्चों को, मैं समझता हूँ एक बाप की तरह जैसे ना वो शक्कर दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों को, बच्चों को उन्हें फैसिलिटेट किया होगा। चलिए तो आपकी बहुत मेहरबानी। अच्छा ये भी बताइएगा कि पेरेंट्स, आपको पता है पेरेंट्स जो होते हैं वो समटाइम इनसिक्योर फील करते हैं, तो जो पेरेंट्स फर्स्ट टाइम बच्चों के साथ जाना चाहते हैं वहाँ के हॉस्टल देखने, वहाँ के यूनिवर्सिटीज देखने, तो उनके लिए वीजा प्रोसेस क्या? हाँ देखें जी, जो हमारे CEO हैं जनाब डॉक्टर शुएब शाहिद साहब, उन्होंने तो ख्वाहिश का इजहार किया है, और वो तो कहते हैं कि जब पेरेंट्स आते हैं तो आप रिक्वेस्ट किया करेंगे जी आप भी एक विजिट करें, आप भी एक चक्कर लगा लें, क्योंकि हम समझते हैं कि जो चीजें हमने वहाँ प्रोवाइड की हुई हैं अभी तक तो वो गुफ्तगू में है या तहरीर में है या तस्वीरों में है। जब पेरेंट में से कोई खुद चला जाता है और वो जाकर देखता है तो वो ज्यादा मुतमिन होगा, ज्यादा इत्मीनान मिलेगा उसको कि उनकी बेटी या बेटा वहां पे महफूज हाथों में है और अच्छी जगह पर अच्छे टीचर्स से पढ़ रहा है। तो हम तो खुद कहते हैं कि पेरेंट्स जरूर साथ आए। $250 वीजे की फीस है सिर्फ, हम कहते हैं नहीं वो वीजा लें, टिकट लेके उधर पहुंचे, हम उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव करेंगे, हम उन्हें रहाइश देंगे, हम उन्हें खाना देंगे, हम उन्हें घुमाएं फिराएंगे 5-7 दिन जितनी देर रहना चाहते हैं वो वहां पर हमारे मेहमान होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। जैसा कि नाज़रीन आप देख चुके हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल चुकी है, तो अब आपके लिए MBBS करना इतना मुश्किल नहीं रहा जितना पहले था, अब आप किर्गिस्तान में जाके अपनी तालीम शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।